नमस्कार साथियों। तो भाई आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसटेट पीजीटी 2022 का जो कॉमन मैथ सेक्शन है, ताकि आपको ये आइडिया मिले कि टीजीटी और पीजीटी में किस तरह का मैथ जो है वो आपका पूछा जाने वाला है। तो इसी के साथ फटाफट से डिस्कस करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है, A metallic sphere of radius 10.5 cm is melted and then recast into small cones each of radius 3.5 cm and height 3 cm, then the number of cones thus formed is। ये कह रहा है कि 10 cm त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 cm रेडियस और 3 cm हाइट वाले कई छोटे शंकु बना दिए जाते हैं, तो इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन आता है कि कितने जो है वो छोटे शंकु बनेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा किसका, गोले का यानी कि स्फीयर का, इसको आपने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ एक छोटे कोन के। कोन कैसा होता है, ऐसा होता है शंकु, ठीक है। तो कितने बनेंगे वो यहां से पता लग जाएगा। तो आपको बता दें जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 π r³, ठीक है, जहां पे r रेडियस को डिनोट कर रहे हैं। तो हम सीधा ही क्या लिखेंगे, रेडियस की जगह 10.5, तो हम लिखेंगे यहां पे 10.5 × 10.5 × 10.5, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है किसका, स्फीयर का, 4/3 π r³, ठीक है। फिर अच्छा इसको एक काम करते हैं, कैपिटल आर लिख देते हैं, इसका रेडियस हम कैपिटल आर मान ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, क्या होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 π r² × h, ठीक है। तो नीचे में आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 π r² तो r यहां पे 3.5 दे रखा है, तो 3.5 × 3.5, क्यों, क्योंकि r स्क्वायर होता है और हाइट यहां पे 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो पाई से पाई उड़ा, सेम लेवल पे आप काट सकते हो, यानी कि इसके सिर से इसको काट सकते हैं, लेकिन पैर से पैर कट रहे हैं तो इसको आप उड़ा दो। अब देखो इसका एक पॉइंट इसके एक पॉइंट को कैंसिल कर देगा, इसका एक पॉइंट इसके पॉइंट को कैंसिल कर देगा, बचा इसका एक पॉइंट, तो इसको हटा के यहां पे हम नीचे 10 लिख लेते हैं। तो बस अब सोल्व कर लेते हैं, 35 × 105 होते हैं, फिर से 35 × 105 होते हैं, 3 से उड़ा 3, 5 × 10 5 × 1 = 5, 5 × 10 और 2 से कटा ये वाला 4 2 पे, ठीक है। तो बचा कितना, 21 × 63 × 126, यानी कि जो छोटे कोण बनेंगे वो टोटल कितने होंगे, 126। तो आप देखिएगा यहां ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूले याद रखना, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कितने छोटे बनेंगे, तो ध्यान रखना जिससे बनाना है उसका वॉल्यूम ऊपर और जो बनेंगे वो उसका वॉल्यूम नीचे लिखना है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमाल की बात तो ये है कि एग्जाम में 10 नहीं 12 क्वेश्चन मैथ के आए हुए हैं, ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे सारे 1 by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कई बार तो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आपको बेनिफिट देगी ये क्लास, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस क्लास को। इफ द अमाउंट इज 3:3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, कह रहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 से ही 3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इसका मतलब कह रहा है कोई धनराशि यानी कि प्रिंसिपल हमने 1 मान लिया और वो हो गया 3/3/8 गुना, ठीक है। तो हम यहां रेशियो में लेके चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, मैंने बताया भी था जो लाइव क्लास ली थी उसमें बताया था कि दर कैसे निकालते हैं। तो आप इसको देखो, जब भी बोलता ना इतने गुना हो जाएगा, तो इधर 1 मान लो, इसका इधर ये मान लो, सोल्व करेंगे तो ये 1 बनेगा, 8 × 24 = 3 = 27/8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 8 बन गया और ये 27 बन गया, ठीक है। तो अब यानी कि मेरे 8 रुपए से 27 रुपए बन गए, कितने साल में, 3 साल में। तो अगर 3 साल में ऐसा हुआ है तो आपने क्यूब रूट लेना था, ये बात मैंने बताई थी। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का क्यूब रूट होता है 3, 2 × 4 × 8 3 × 3 = 27। तो मैं कहूंगा मेरे 2 रुपए के 3 रुपए बन गए, तो कितने बढ़ गया, 1,
कितने पे, दो पे इंटू में 100%, और यही होगा आपका रेट। तो दो से काटेंगे तो 50% आपका दर आ जाएगा। तो ऐसा देख लो कहीं आंसर में लिखा है, 50% ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिना लिखे हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको। क्या है क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एन, इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज इज। ये कह रहा है यहां पे कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत, क्रमिक मतलब जो लगातार होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऐसे लगातार हैं, ऐसे 9 लगातार संख्या जिनका एवरेज n है, यदि उनमें दो अगली संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो ध्यान रखना, जैसे हम एक नंबर ऐड करते हैं तो एवरेज 0.5 से बढ़ता है, तो दो ऐड होने से एवरेज 1 से बढ़ेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो इंक्रीज बाई 1, यानी कि ऑप्शन सेकंड बनेगा। मैं अब एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1, 2, 3, इसका एवरेज कितना होगा, तो आपको पता है कि लगातार नंबर्स अगर होते हैं तो एवरेज मिडल वैल्यू, यानी कि इसका एवरेज कितना आएगा, 2 होगा। अगर मैं एक नंबर और एड कर दूं तो एवरेज क्या होगा, लगातार नंबर है तो एवरेज मिडल वैल्यू, यानी कि यहां पे तो 2.5 होगा। एक नंबर में और एड कर दूं तो इनका एवरेज क्या होगा, मिडल वैल्यू विच इज 3। तो आप यहां पे अगर देखेंगे कि जैसे मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूं, एवरेज 0.5 से बढ़ रहा है, 0.5 या आधा, 0.5 का मतलब आधे से बढ़ रहे हैं। दो नंबर ऐड होंगे तो फिर से ये क्या होगा, एक नंबर और ऐड होगा तो फिर से ये आधे से बढ़ेगा। तो दो नंबर ऐड होने से आधा और आधा, एक से एवरेज बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज अगर पहले एन चल रहा था तो अब एक से वो बढ़ जाएगा। और पूछे नया एवरेज क्या हो गया, ये बढ़ेगा एक से, लेकिन अगर पूछता कि अब एवरेज क्या हो गया, तो जवाब करना एन प्लस वन, ठीक है, जो भी एवरेज था उसमें वन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये पूछ रहा था कि एवरेज कितने से बढ़ेगा, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय वन, यानी कि वो एक से बढ़ जाएगा। इसी के साथ दो टाइप और देख लो। दो टाइप क्या, अगर यही क्वेश्चन इवन या ओड के केस में आ जाता, सम संख्या या ओड यानी कि विषम संख्या के केस में आ जाता, तो फिर आंसर क्या करना था। यानी कि अगर वो बोलता कि 9 लगातार इवन नंबर्स का एवरेज n है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 9 लगातार इवन बोले या 9 लगातार ओड बोले, इनका एवरेज अगर n है, तो बोले कि अगर अब अगले दो इवन नंबर और ऐड कर दूं, तो ध्यान रखना एवरेज में भी 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 ऐड होंगे तो 2 बढ़ेगा, 5 ऐड होंगे तो एवरेज में 5 बढ़ेगा, सेम इसके केस में, सेम इसके केस में, ठीक है। तो आप एग्जांपल से भी कर सकते हो, जैसे 1, 3, 5, ये ओड नंबर है, इनका एवरेज कितना आएगा, 3, मिडल वैल्यू 1, 3, 5, 7, जैसे मैंने एक नंबर और बढ़ाया, एवरेज क्या होगा इनका, मिडल वैल्यू विच इज 4, ठीक है, ये एवरेज मिड वैल्यू जब लगातार टर्म्स होती हैं। जैसे एक वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो एवरेज क्या होगा, मिडल वैल्यू विच इज 5। तो आप देखो, जैसे मैं एक नंबर बढ़ा रहा हूं, एवरेज जो है वो एक से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर इवन और ओड का केस आता है, जितने नंबर ऐड होंगे एवरेज उतने से ही बढ़ जाएगा, और एवरेज पूछे क्या बन गया तो प्लस करके वो बता देना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी बता दिया मैंने। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आंसर्स को, सो दैट कि आप कोई ऐसा नहीं, आंसर की देनी होती तो मैं टिक मार्क लगा के दे देता सीधा ही, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको बेनिफिट हो। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹18 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिना लिखे हो जाएगा। कह रहे एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान वो 115 का बेच रहा है। 15% लाभ का मतलब यही तो हुआ कि 100 पे 15 कमा लिए। अगर वो उसे 18 रुपए ज्यादा में बेचे, तो कोई चीज अगर और बढ़ा के बेचेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो अब प्रॉफिट 18% यानी कि 118 हो गया। तो मुझे बताओ, पहले सामान 115 का बिक रहा था, अब 118 का बिक रहा है, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। किसकी वजह से, 18 रुपए महंगा बेचने से, 18 रुपए अधिक में बेचेगा तो प्रॉफिट 3 बढ़ गया। तो 3 की वैल्यू 18 है, 100 की वैल्यू निकालनी थी, सीपी पूछ रहे ना, एक की वैल्यू 18/3 और 100 के लिए गुणा में 3 कर देना, तो आंसर बनेगा 600, ठीक है। आप डायरेक्टली परसेंटेज भी लिख सकते थे, 15% से 18%, 3% बढ़ गया प्रॉफिट, किसकी वजह से, 18 रुपए की वजह से। तो 100% क्या होगा, 18/3 गुणा में 100,
तो दोनों से सेम 600 आंसर आएगा और ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये बोट एंड सिम का क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी क्लास देखी हो जो मैंने कंप्लीट रिवीजन क्लास डाली हुई है एस्टेट मैथ की आर पार वाली अंतिम बार, तो उसमें तीन ही क्वेश्चन करवाए थे मैंने बोट एंड स्ट्रीम के, जिसमें से एक क्वेश्चन यहां पे आ गया। ठीक है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर व्हाइल इट कम बैक इन 4.5 आवर, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील क्वार्टर इज। कह रहे हैं कि एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में और वापसी में 4.5 घंटे में तय कर रही है, अगर धारा की चाल 3 है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो इसके लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले देखा करो कांस्टेंट चीज क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या कि जो चीज चेंज ना हो, नाव जितनी दूर गई है पानी के बहाव के साथ उतनी ही वापिस भी लौटी है पानी के अपोजिट, तो जाते हुए स्पीड यहां पे हम डिस्टेंस कांस्टेंट, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, दूरी होता है चाल गुना में समय। तो इस फॉर्मूले को मैंने कहा था कि आप 2 बार लिख लें ताकि आप इस ट्रिक को बना सके, यहां पे 2 आएगा भाई। ठीक है, स्पीड 1 टाइम 1, ये जो डिस्टेंस जो चीज कांस्टेंट है ना उसका फॉर्मूला लिख लें, तो स्पीड इनटू में टाइम होता है, तो S1T1 = S2T2। अब देखो जब नाव पानी के बहाव के साथ जाती है तो स्पीड होती है X+Y, ये सब कुछ मैंने सिखा दिया। ठीक है, इसमें x नाव की स्पीड है, y पानी की स्पीड है, और जब नाव पानी के बहाव के साथ जाएगी तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएगी, तो उसे 3 घंटे लगे। कितने लगे, टाइम कितना लगा, 3 घंटे, जबकि वापसी में 4.5, तो स्पीड वापसी में कैसी होगी, नाव की स्पीड माइनस पानी की स्पीड जब वापस आएगी, और अब कितने लगे, 4.5 घंटे। तो अब इसको सोल्व करना है, तो देखो पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा, 5 में 45, 5 2 10। ठीक है, अब इधर से इधर भी काट सकते हो, तो मैं काट देता हूं, 3 से 3 पे कटा। ठीक है, कटने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 2 × x + 2 × y। सिमिलरली ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3x - 3y। ठीक है भाई, अब x x को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, ये 2x इधर माइनस हो जाएगा, ये 3x इधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर है 5y के बराबर आ गया। यदि धारा की चाल 3 हो, तो मैंने कहा था y जो है वो पानी की स्पीड होती है, तो अगर y की वैल्यू 3 है तो पूछ रहा था शांत जल में नाव की स्पीड, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा था, तो सबको दिख गया आंसर 3×5=15, ये क्या बन गया x, y की वैल्यू रखेंगे तो 15 जो है आंसर बनेगा, और ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है आई थिंक ये, हाँ वही है। हाँ जी, क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 9, 13 लीव्स रिमाइंडर 2, 6, and 10 रिस्पेक्टिवली द लीस्ट सच नंबर इज। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका क्या, ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़वा दें भाई। किसी संख्या को अगर 5, 9, 13 से विभाजित करेंगे तो 2, 6, and 10 शेष मिलते हैं, 5 से 9 से और 13 से डिवाइड करने पर शेष कितना मिलेगा, 2, 6, and 10। तो इनका डिफरेंस देखना होता है, डिफरेंस कितना होता है, यहां पे सेम होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये जो सेम है, इसके लिए जो डिटेल मेथड कहता है कि आप पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में से फिर ये 3 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर, ये इसका कंसेप्ट है क्वेश्चन का। तो अब एलसीएम किसका निकालना है, इनका, जो डिटेल से करें वो पहले इनका एलसीएम निकाल ले, फिर एलसीएम निकाल के ये डिफरेंस माइनस कर दे तो उसको आंसर मिल जाएगा, यानी कि इन ऑप्शन में से मिलेगा। तो अब मैं यहां से इस क्वेश्चन को अगर मैं बाय ऑप्शन समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी देर का नहीं था, आप बड़ा फास्ट इसका आंसर कर सकते थे। ध्यान दो, यहां पे ये जो आंसर लिखे हुए हैं, ये जो आंसर लिखे हुए हैं ये कैसे मिले होंगे, जब मैंने एलसीएम निकाला होगा इनका, फिर उसमें से 3 माइनस किया होगा तो मुझे आंसर मिला होगा, यानी कि ये मिला होगा। तो अगर मैं एलसीएम बनाना चाहता हूं तो ये 3 इधर से इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आपको जो भी ऑप्शन दे रखी है इनमें आपने पहले +3 करना था। ठीक है, +3 करेंगे तो ये बनेगा 605, ये बनेगा 595, ये बनेगा 575 और ये बनेगा 585। ठीक है, और ये बन चुके हैं अब एलसीएम। ठीक है, तो अगर ये एलसीएम है तो जाहिर सी बात है ये 5, 9 और 13 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एलसीएम है तभी तो इनसे डिवाइड, क्योंकि एलसीएम होता है डिवाइड होने वाला नंबर। तो अब देखो, पांच से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, नौ से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? नौ से तो वही नंबर डिवाइड होगा जिसके डिजिट्स का टोटल नौ से कटेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, छह और पांच ग्यारह, टोटल नौ से नहीं कटता। नौ पांच चौदह और पांच उन्नीस, ये भी टोटल नहीं कटता। सात पांच बारह और पांच सत्रह, ये भी टोटल नहीं कटता, और ये भी नहीं कटता, तो फिर ये लास्ट तो कटेगा ही। आठ पांच तेरह और पांच अठारह, अठारह टोटल नौ से पूरा कटता है। इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर था, बस इतनी सी देर लगनी थी, ऐसा कुछ भी पंगा नहीं लेना था। ठीक है, तो ये, और फिर भी किसी को नहीं आता ना ऐसा एक आध क्वेश्चन, तो आप डिवाइड करके देख लेना, पांच से डिवाइड करके दो से आना चाहिए ऐसा नंबर, लेकिन उससे ज्यादा फास्ट ये रहेगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आपको उस मैराथन के अंदर मैंने करवाया था। ठीक है, जो लास्ट में मैंने क्विक रिविजन दी थी उस क्लास के अंदर, ये एज इट इज क्वेश्चन था। ठीक है, एज इट इज का मतलब सिर्फ डिजिट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मेथड बताया था मैंने। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल्स अ कस्टमर टू परचेज 12.5 केजी मोर फॉर रुपीज 800। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज, चावल की कीमत में अगर 20% कमी हो जाए तो एक ग्राहक 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है। तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, यानी कि वो ओरिजिनल रेट क्या था जब प्राइस घटा नहीं था। तो मैंने इसके लिए कहानी में सुनाया था कि घर वालों ने दिए 800 रुपए और तुम्हें कहा कि जाओ इसके ना सामान ले आओ, चावल ले आओ। अब तुमने चावल ले लिया और जैसे तुम चावल लेके चले तो दुकानदार ने तुम्हें रुकवा दिया और तुम्हें कहा कि भाई इधर आ और एक काम कर, ये 160 रुपए अपने लेके जा। अब तुमने क्या कहा कि बोला जी 160 रुपए क्यों बचे, तो वो दुकानदार कहता है कि जो चावल है वो 20% सस्ता हो गया, तो 20% सस्ता हो गया तो फिर 160 रुपए आपके बचेंगे। तो 160 रुपए आपको कह रहे हैं कि ये ले भाई ले जा। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया, घर वालों ने तो कहा था 800 का सामान आएगा, इतना तू ले आइयो। तो अगर ये बच रहे हैं तो तुमने सोचा कि क्यों ना इसका सामान ही ले ले, तो तुमने उसे कहा कि अंकल ये वापिस मत दो, इसमें आप मुझे चावल दे दो। और उसने 12.5 किलोग्राम चावल ज्यादा दे दिए, यानी कि 160 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल दे दिए। तो एक किलोग्राम कितने का पड़ेगा, पॉइंट हटा दो, यहां पे 10 लगा दो, काट दो इसको, पांच दूनी दस, पांच पंजे पच्चीस, पांच दूनी दस, पांच पंजे पच्चीस, पांच दे पंद्रह, पांच दूनी दस, ये बन गया 64/5। तो अगर पूछे कि अब घटा हुआ चावल का रेट कितना है, तो आप यहां से आंसर बता देना, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, पांच अट्ठे चालीस, 12.8 रुपए पर केजी। ये कौन सा मूल्य है, घटा हुआ मूल्य, यानी कि अब जो रेट चल रहा है वो ये है, लेकिन उसने पूछा मूल कीमत, मूल कीमत यानी कि जो शुरुआत का रेट था। तो शुरुआत का रेट अब कैसे निकालेंगे, अब ये 12.8 रुपए पर केजी चावल मिला आपको कब, जब चावल सस्ता था। कितना सस्ता था, 20%, यानी कि ये वाला रेट जो है ये 80% वाला रेट है भाई, ये सस्ते वाला रेट है ना, तो 80% का रेट है, तो 100% था ओरिजिनल रेट, वो आपने निकालना था। 12.8 अपॉन में 80 गुणा में 100। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे, तो इसका पॉइंट हटा देना, नीचे 10 लग जाएगा, इससे दो जीरो कटेंगी, 8 से इसको काटूंगा तो 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 छिके 48, 8 एकम 8 एक लिखना था ना, तो 16 रुपीज पर केजी। तो 16 रुपीज जो है ये आपका मूल प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस था, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो 16 रुपीज आंसर था इसमें, तो दोनों पूछ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अगर बोलता ना यहां पे कि चावल का रेट 20% बढ़ गया, तो उस सिचुएशन में यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, यहां बस 120% की वैल्यू देके 100% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बढ़े तो 100 में प्लस करके लेना है परसेंटेज, घटे तो माइनस करके ले लिया आपने। ठीक है, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। हां जी, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंड इज। कह रहे हैं कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य क्या होगा। ये योगफल यहां पे गलत शब्द लिखा हुआ है, ये कह रहा है इन अ डिवीजन सम, सम मींस यहां पर योग नहीं है, मतलब यहां पे एक क्वेश्चन है कि एक भाग का क्वेश्चन है,
SVM सम भी तो होता है ना, क्वेश्चन को बोलते हैं सम, ठीक है। तो यहां पे ये योगफल शब्द गलत है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा डिवीजन का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पर इसको बोलते हैं हम डिवाइजर यानी कि भाजक, ये नाम पता होने चाहिए, इसको बोलते हैं हम डिविडेंट, डिविडेंट यानी कि भाज्य, ये होता है हमारा कोशेंट, कोशेंट यानी कि रिमाइंडर, सॉरी कोशेंट यानी कि भागफल, एंड लास्ट वन इज रिमाइंडर, रिमाइंडर मींस शेषफल, ठीक है, ये होते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से बना लेते हैं, ये सबसे पहले देखो इसमें शेषफल 36 दे रखा है, यानी कि रिमाइंडर हमें 36 दे रखा है, तो इसको यहां पे चिपका देना है, ठीक, क्लियर है। और इसमें आपको बता भी दूं ये नंबर हमेशा ही हमें कैसे मिलता है, इसका इसका मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये नंबर मिलेगा। मतलब क्या, आप मुझे बताइए, मान लो मैंने कह दिया कि अगर मैं 27 को भाग करूं 6 से, ठीक है, तो कितने पे चलेगा, 6 चौके 24, 4 पे चला रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है। अगर मैं बीच की एंट्रीज मिटा दूं और आपसे पूछूं कि यहां बीच में क्या लिखा था ये वाला, तो आप कैसे बताएंगे, इसकी इसकी मल्टीप्लाई और ये ऐड कर देना, 6 चौके 24 और 3 ऐड करूंगा तो ये 27 आ जाएगा। तो ये याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस ये नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन में शेष दे रखा था, सबसे पहले छाप दिया। अब स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है कि डिवीजन के क्वेश्चन में विभाजक भागफल का 12 गुना है। मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये वाला जो नंबर है जिसे डिवाइजर बोलते हैं, इसका 12 गुना है, ठीक है, ये नंबर इसका 12 गुना है। जब यहां कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो किसका 12 गुना करो, यानी कि ये काम नहीं हो सकता। आगे पढ़ो, फिर कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। देखो मैं इंग्लिश में भी दिखा दूं, डिवाइजर इज 12 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट, यानी कि डिवाइजर इसका 12 टाइम है, तो यहां कुछ नहीं लिखा तो भाई ये नहीं पता लगा। फिर कह रहा है ये वाला जो नंबर है इसका 5 गुना है, लिखा है, एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि इसका 5 गुना, ये तो मैं कर सकता हूं ना, तो कितना बनेगा, 180, ठीक है भाई। तो 180 मुझे ये मिल गया, तो अब मुझे ये तो पता ही नहीं लगा, ये मुझे निकालना है। तो आप मुझे बताइए, ये कह रहा था ये नंबर जो है इसका कितने गुना है, 12 गुना, यानी कि 180 मुझे कब मिलेगा, जब मैं x को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x के लिए आप 180 को 12 से डिवाइड कर देना, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कि x मुझे मिल गया यहां पे 15। तो ध्यान रखना, ये मैंने समझाया है ताकि किसी को मुश्किल ना लगे। आप डायरेक्टली ये नंबर कैसे निकालेंगे, ये नंबर इसका 12 गुना था, तो ध्यान रखना इसको 12 से डिवाइड करने था 12 गुना, लेकिन डिवाइड करोगे तब ये मिलेगा। ये बात समझ में नहीं आई तो फिर ये यहां से समझाई है मैंने, ठीक है। तो अब ये नंबर पूछ रहा था, तो 180 की गुणा आप करेंगे 15 से और इसमें प्लस कर देंगे 36, तो 15 8 120, 15 1 15 और 12 करेंगे 27 प्लस 36, तो 2736 बनना चाहिए आपका आंसर। तो 2736 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, 2736, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने करना था भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज, हां जी, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 9000, इफ द मेल्स इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल बाई 8%, द पॉपुलेशन वुड बी 9600 इन अ ईयर, द नंबर ऑफ मेल्स इज, ये कह रहे हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, अगर पुरुष 5% महिलाएं 8% बढ़े तो एक साल में जनसंख्या 9600 हो जाती है, तो मेल्स कितने हैं। तो आपने यहां मेल लिख लेने हैं, यहां फीमेल लिख लेनी है, पुरुष बढ़ गए 5%, महिला बढ़ गई 8%, ठीक है भाई। अब यहां पे टोटल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी, मैं इसको कैसे बताऊंगा, इसके लिए आप देखो पहले पॉपुलेशन थी 9000, बाद में होगी 9600, भाई बढ़ने के बाद कितनी होगी 9600, तो मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट बढ़ गई, तो तुम कहोगे 9000 वाली चीज 9600 होगी, यानी कि 600 बढ़ गई, किस पे, इस 9000 पे, और कितने परसेंट बढ़ी, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो अगर मैं देख पूछूं आपसे कि ये कितने परसेंट बढ़ गया, तो बढ़ गया बटे ओरिजिनल इंटू में 100, इससे कटाइए, इससे कटाइए, 3 × 6 × 3 × 9, ये बन गया 20/3%, जिसे आपने यहां बीच में चिपका देना है, ठीक है। तो अब एलिगेशन लगाएंगे हम, और एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना होता है,
अब इसको नंबर बनाने के लिए जो इसके बेस में है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सभी जगह, ध्यान रखना सभी जगह। तो ये बनेगा 15%, ये बनेगा 8 से 24%, और ये 3 से 3 कट के ये बनेगा 20%। ठीक है, और परसेंटेज से दिक्कत आ रही है तो बेशक हटा देना, किसी को दिक्कत आए ना ये परसेंटेज से हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एलिगेशन लगाने और किस तरह से लग रहा है वो आपको मैंने दिखा भी दिया। ठीक है, तो ये बटे में था ना, इसलिए इस बटे को खत्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करना है, एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसमें से इसको माइनस करके यहां लिखते हैं, तो 24 में से 20 गया 4, और 20 में से 15 को माइनस करके यहां लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस बड़े में से इसको माइनस करके यहां, इसमें से इसको माइनस करके यहां, इसका मतलब वो जो पॉपुलेशन है उसमें मेल है 4 और फीमेल है 5, यानी कि 4 हिस्से मेल 5 हिस्से फीमेल, तो 9000 को अगर मैं टोटल 9 हिस्सों में डिवाइड करता हूं तो एक हिस्से की वैल्यू 1000 आएगी, यानी कि जो हमारे मेल है वो है 4000, फीमेल पूछता तो आंसर करते हैं हम 5000, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 4000। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अगर वो बोल देता क्या कि मेल बढ़े 5%, फीमेल बढ़ी 8% और टोटल पॉपुलेशन बढ़ी 7%, फिर कुछ नहीं था, फिर यहां 5 यहां 8 यहां 7, एलिगेशन लगा देते, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 5 गए 2, सीधा रेशियो आ जाता 1:2। तो इसमें एक हिस्सा आदमी और दो हिस्से औरतें, तो तीन हिस्सों में 9000 को डिवाइड करना है, जैसे मैंने यहां 4 और 5, 9 हिस्सों में 9000 को डिवाइड किया तो एक हिस्से की वैल्यू निकाल दी, तो रेशियो में पढ़ाया कंसेप्ट ये। ठीक है, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसके लिए अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, एक आधी बात मैं बताऊंगा लेकिन एक ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक से तो ये कुछ भी नहीं था, लिखना भी नहीं था, पर लेकिन इसको ध्यान से समझना, ये जो बात मैं बताऊंगा ना बड़े ध्यान से समझना। यहां पे x की वैल्यू दे रखी है आपको √3 + 1/√3 - 1, और y की वैल्यू आपको दे रखी है √3 - 1/√3 + 1। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या निकालता हूं, x plus y निकालता हूं, इसका मतलब ये x है ये y है, तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं इसमें प्लस करके। देखो अगर मैं डिटेल लगाऊंगा ना, ये भी सुन लो, अगर मैं डिटेल लगाऊंगा तो मुझे ये रेशनलाइज करना पड़ेगा, कैसे होता है एक को करके मैं दिखाऊंगा बाद में, इसको मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन की पहचान देखो क्या है, इसमें एक सीधा है, यानी कि ये √3 + 1/√3 - 1 ये सीधा है, और इसी का उल्टा यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर ये अगर सीधा उल्टा आ जाए तो आपने दोनों को प्लस करना है, सीधे उल्टे वाली फीलिंग आपको अगर आ जाए तो आपने इसको प्लस करना है, और कैसे प्लस होगा इसके लिए ट्रिक क्या है, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है, ये है इसकी ट्रिक, क्लियर। अब ये ट्रिक के हिसाब से ए क्या है और बी क्या है आपको बता दें, जो इस रूट के अंदर लिखा हुआ है इसी का नाम ए है, यानी कि ए हमारा कितना है 3, और जो ये सेकंड वाला है इसका नाम हमारा बी है। लेकिन लेकिन क्या, अगर ये भी रूट में होता ना तो जो रूट के अंदर लिखा है वो ए होता, जो रूट के अंदर लिखा वो बी होता, सिंपल सी बात है। यानी कि मैं कह दूं कि √5 + √3 अगर ऐसे लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता तो ए होता 5, बी होता 3, ए होता 5, बी होता 3। लेकिन अगर एक नंबर पे रूट ना लगा हो ना तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे वो आपका बनेगा दूसरा। सिमिलरली मैंने यहां पे किया, इसको ए बोला और जिस पे रूट नहीं था उसका स्क्वायर किया तो वो बना बी, तो एक का स्क्वायर एक ही बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना नहीं तो ट्रिक गलत हो जाएगी आपकी, पता लगा वहां पे कोई और नंबर आ गया। ठीक है, मान लो यहां पे 2 होता तो फिर 2 का स्क्वायर 4 बनता भी, तो अब इसमें वैल्यू रखूंगा तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 3 + 1/√3 - 1, इट बिकम्स 2 × 4/√2, इससे कटा तो ये बन गया 4, यानी कि x प्लस वाई मेरे पास 4 बन गया, लेकिन मुझे बताना था x² + y². फर्दर एक ट्रिक बनेगी लेकिन मैं फॉर्मूले से लगा के दिखा दूं, आप मुझे बताइए इसका स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy, ये होता है। यहां पे इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाल ली कितनी आई, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यहां से ये 2xy इधर आएगा तो माइनस का 2 बनेगा। xy क्या है अब ये समझो, पहले तो ये समझो xy क्या है, मुझे बताओ ये x है ये y है, इसका नाम x है इसका नाम y है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, यानी कि x into y कितना बनेगा 1, तो 2 into 1 बनेगा, तो सेकंड
यहां से ये करना था, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो आंसर बनेगा 14। तो 14 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो ये ट्रिक याद रखना कि आप सबसे पहले इसको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, उसके बाद ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ये मैंने बता दिया कैसे लेने हैं, और फिर ये फॉर्मूला लगा के आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे, तो इससे फॉर्मूले से हमने इसको निकाला है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे ये कैसे सोल्व करना पड़ता, उसके लिए मुझे पहले एक्स स्क्वायर करना पड़ता, फिर वाई स्क्वायर करना पड़ता, फिर ऐड करना पड़ता। लेकिन मैं कुछ दिखा रहा था आपको, ये जो दिया हुआ ना, ये जिसे मैं एक्स बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं रेशनलाइजेशन से। कैसे होता है, इस माइनस की जगह प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड, ऊपर में क्या बन गया रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर, नीचे में क्या बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो ये क्या है, ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका जब आप ए प्लस बी करके स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा 4 जमा 2 रूट 3, ये मैंने पूरा लिख दिया, और नीचे बनेगा स्क्वायर से रूट कट गया 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना बना 2। क्लियर, तो रेशनलाइज मैंने क्यों सिखाया आपको, क्योंकि ये ऐसा आ सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें इसको रेशनलाइज करना पड़े, तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। ऊपर से 2 कॉमन ले लेना और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कैसे लिखा मैंने, रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी। ठीक है, तो ये बना 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, तो ये देखो 4 प्लस 2 रूट 3, मैंने सीधा लिख दिया था, ठीक है, और बटे में ये सोल्व करके। तो रेशनलाइज सिखा दिया मैंने आपको, लेकिन ये ट्रिक, जब भी एक सीधे और उल्टे की फीलिंग आए तो आप पहले इनको प्लस करके निकाल लें, और फिर किस फॉर्मूले से ये बनेगा उसके हिसाब से आगे सोल्व होता है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो सकता है आप रीजनिंग में काउंट करें, रीजनिंग में काउंट करेंगे तो 11 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हम इसको जैसे मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था उसके हिसाब से काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ 1865 पीपल 660 कैन स्पीक इंग्लिश, 1305 कैन स्पीक हिंदी, बट 120 persons cannot speak either language, then how many persons can speak both the languages। ये कह रहे हैं कि 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसका तरीका क्या, हमने निकालना है कितने ऐसे व्यक्ति जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो हम बोलने वाले लेंगे, हम कौन से लेंगे, बोलने वाले, ठीक है। तो ये कैसे करना था, मैंने बिना वेन डायग्राम समझाया था, मुझे बताओ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, तुम कहोगे 660, मैं पूछूं कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तुम कहोगे 1305, मैं कहूं कि टोटल बोलने वाले कितने हैं, तुम कहोगे 1965, तुम कहोगे टोटल बोलने वाले 1965, तो मैं कहूंगा यार 1965 कैसे हो गए, बंदे तो 1865 थे, तो फिर ये बढ़ कैसे गए। तो ऐसा इसलिए हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो दो भाषा जानते थे, वो हिंदी भी जानते थे और वो इंग्लिश भी जानते थे, तो उन्होंने जब हाथ खड़ा किया तो ये जो है ये टोटल बढ़ के आया। तो अब ऐसे कितने बंदे थे, अब देखो इसमें दिया 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं जानता, यानी कि टोटल 1865 लोगों में से 120 व्यक्ति ऐसे जिन्हें कोई भाषा नहीं आती थी, तो फिर जो बचेंगे उनको कोई ना कोई भाषा तो आती होगी, तो फिर 5 4 7 1, 1745 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई भाषा आती है, हो सकता है उन्हें दोनों भाषा भी आती हो। तो ये आपको यहां से माइनस करने थे 1745, जैसी आप माइनस करेंगे ये आपके पास 220 आंसर जो बचेगा, ये वो लोग होंगे जो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं या वो दोनों जानते हैं। तो बस इस तरह से आपने 220 आंसर करना था, तो ऑप्शन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन है और ऐसा हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था एफिशिएंसी के बारे में। A tank is filled in 5 hours by 3 pipes P, Q and R. The pipe R is twice as fast as Q and Q is twice as fast as P.
हाउ मच टाइम विल पाइप बी एलोन टेक टू फिल द टैंक। कह रहे हैं कि तीन नल हैं पी के वार जो 5 घंटे में पूरी टंकी भर देते हैं, आर के उसे दुगनी गति से और के ओ पी से दुगनी गति से चलते हैं, तो अकेले नल पी कितने समय में भरेगा टंकी। तो पहले तो जो है उनको लिख दो, पी है क्यू है आर है। अब पढ़ो यहां पे आर का कंपैरिजन क्यू से और क्यू का कंपैरिजन पी से है, तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप सेकंड लाइन से पढ़े यानी कि यहां से पढ़े। क्यू पी से दुगनी गति से चलता है, इसका मतलब क्यू पी से दुगनी गति से यानी कि 1 लीटर पानी भरता है तो ये 2 लीटर भर देगा, तो भाई क्यों क्यू की गति इससे डबल नहीं होगी, क्यू पी से दुगनी गति से चलता है, तो ये कर दिया। अब पहले वाली लाइन आर क्यू से दुगनी गति से चलता है, तो R जो है वो Q से डबल यानी कि ये 2 लीटर भरेगा तो ये 4 लीटर भरेगा, और ये क्या आगे इनकी एफिशिएंसी जिसे आप बोलते हैं क्षमता, यानी कि इसकी क्षमता है 1 लीटर पानी भरने की, इसकी है 2 की, इसकी 4 की, ठीक है ये एफिशिएंसी आ गई। तो कह रहा था कि P कितने समय में टंकी भर देगा, तो P से टंकी भरवानी है तो टोटल टंकी की कैपेसिटी बटे में P की एफिशिएंसी, ठीक है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ अगर ये तीनों चले तो 5 घंटे में इन्होंने टंकी भरी, तो मुझे बताओ तीनों चलेंगे तो होगा क्या, ये 1 लीटर भरेगा, ये 2 भरेगा, ये 4 भरेगा, तो 4, 2, 6 और 1 7 लीटर भर गया, 1 घंटे में 7 भर गया और 5 घंटे तक ये चलेंगे तो 5 घंटे में 35 लीटर भरेगा। ध्यान रखना ये 1 घंटे में 1 भरता है, ये 2 लीटर भरता है 1 घंटे में, ये 4 भरता है, तीनों चलेंगे तो 4, 2, 1 7 लीटर भरेगा 1 घंटे में, लेकिन 5 घंटे में ये तीनों टंकी भर देंगे तो 5 घंटे में 35 लीटर भरेगा। तो अब कह रहा था P से टंकी भरवानी है, तो P कितना भर सकता है, तो P तो 1 ही भर सकता है 1 घंटे में, तो 35 लीटर की टंकी भरेगा 35 घंटे में, तो 35 आर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, इसी के साथ सारे क्वेश्चन खत्म हुए। तो ये था आपका सेक्शन, मैथ सेक्शन जो था वो आपका ठीक था, कोई ऐसा ये नहीं कह सकते कि हमने ऐसा नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है। एक आध क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता, जैसे कि वो एलजेब्रा का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो आप जिसका भी अब टीजीटी और पीआरटी का एग्जाम है उनके लिए मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, आज भी एक स्टूडेंट मेरे को मिला कि कह रहा था कि सर मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं 20 क्वेश्चन जो है वो भर नहीं पाया, समय खत्म हो गया था। तो टाइम का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और भरते हुए ओएमआर गलती मत करना। ओएमआर कैसे भरनी है, जब भी आप एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे उसके साथ साथ ओएमआर भरनी, और भरने का तरीका भी क्या होता है, इधर से देखें फर्स्ट का फोर्थ तो इधर भी देखें फर्स्ट का फोर्थ, इधर देखें सेकेंड का थ्री तो सेकेंड का थ्री, क्वेश्चन का नंबर पढ़ के ओएमआर में नंबर पढ़ के लगाना है, अदरवाइज गलत भरी गई तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं कल का एग्जाम कैसा रहता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।